नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर, सैटेलाइट तस्वीरों ने किया सबसे बड़ा खुलासा जिससे सबकी धड़कनें हो गई तेज। तो वहीं चीन ने एक रहस्यमय हथियार का परीक्षण कर अमेरिका की नींदें उड़ाई। तो वहीं तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को चेताया। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। अपनी जिद और पूरी दुनिया में तानाशाही को लेकर चर्चित हुए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार और मिसाइलों को कभी नहीं छोड़ेगा। उत्तर कोरिया को अमेरिका से शत्रुता का मुकाबला करने के लिए इसकी सख्त आवश्यकता है। किम जोंग उन ने गुरुवार को उत्तर कोरिया की संसद में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर कोरियाई की सेना को स्वचालित रूप से दुश्मन ताकतों के खिलाफ परमाणु हमले करने का अधिकार देता है। इस तानाशाह के टिप्पणियों से क्षेत्रीय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अमेरिका की नींदें उड़ गई है। आपको बता दें, किम ने इस साल रिकॉर्ड गति से हथियारों का परीक्षण कर दुनिया को चौंकाया। इस बैलिस्टिक परीक्षण को लेकर दक्षिण कोरिया ने भी परीक्षण को रोकने का आग्रह किया था। पिछले महीने किए गए उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के बाद दक्षिण कोरिया ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी सेना उत्तर कोरिया की ओर से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल की कड़ी निंदा करती है। साथ ही उत्तर कोरिया से गंभीरता से आग्रह करता है कि द्वीप पर सैन्य तनाव बढ़ाने और सुरक्षा चिंता को बढ़ाने का काम तुरंत रोक दे। तो वहीं चीन के ड्रोन ने मंगलवार को ताइवान के किनमेन द्वीप में घुसपैठ की, जिसे खदेड़ने के लिए ताइवान ने गोलियां चलाई। आपको बता दें, यह ड्रोन कौन सा था इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन ने अपने हाइपरसोनिक ड्रोन को ताइवान के द्वीप के तरफ भेजा था। चीन के पास बुजान 8 नाम से एक हाइपरसोनिक ड्रोन है और इसे चीन का एक रहस्यमय हथियार करार दिया जाता है। साल 2019 में चीन ने अपने इस ड्रोन को टेस्ट किया था। पहली बार इस ड्रोन को जुआई एयर शो में देखने की मौका मिला था। आपको बता दे, चीन के इस ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। काले रंग का यह ड्रोन हाइपरसोनिक फ्लाइट की स्पीड से उड़ता है। ड्रोन की तैयार करने में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इसकी स्पीड ही थी, लेकिन कई टेस्ट के बाद आखिरकार इसने वह बाधा पार कर ली। सितंबर 2021 में चीन की वायुसेना के टॉप रिसर्च फेई दाई ने जनरल टेक्निकल मिसाइल टेक्नोलॉजी में कहा था कि मानव रहित यह एयरक्राफ्ट किसी स्टैंडर्ड रनवे पर आवाज के स्पीड से 5 गुना तेजी से उड़ सकता है। अगर ये दावा बिल्कुल सही है तो ड्रोन के इंजन को रनवे से अगर 250 किलोमीटर दूर में बंद कर दिया जाए तो भी यह ड्रोन आसानी से लैंड कर जाएगा। कुछ रिसर्चर का दावा है कि हाइपरसोनिक ड्रोन को अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स के खिलाफ तबाही मचाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। इस ड्रोन को डेवलप करने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट की तबाही। इस ड्रोन के बाद चीनी सेना के पास वह खास हथियार मिल गया है जो किसी के पास नहीं है। यह ड्रोन खराब स्थितियों में भी उड़ सकता है और दुश्मन की जनरल इंटेलिजेंसी के अलावा खास लक्ष्य वाली जानकारी भी हासिल कर सकता है। चीन के रिसर्चर कई साल से वायुसेना के लिए हाइपरसोनिक ड्रोन प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, जिसका वो सफल परीक्षण कर चुके हैं। आपको बता दे, अगस्त के महीने में किनमेन डिफेंस कमांड ने 23 बार चीनी ड्रोन की घुसपैठ की बात कही। कमांड की बात माने तो ये ड्रोन किनमेन काउंटी के ऊपर उड़ रहे थे। विशेषज्ञ ने भी कई बार चीन के ड्रोन प्रोग्राम पर चिंता जाहिर किया है। तो वहीं ताइवान ने भी इस ड्रोन को मार गिराने में कोई भी परहेज नहीं की है, जिसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का सबसे बड़ा हाथ सामने आया है। आपको बता दे, बाइडेन प्रशासन भी जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि 1.1 अरब डॉलर से ताइवान को 60 AGM 84L हार्पून ब्लॉक मिसाइल और 100 AMI 9X ब्लॉक साइडर विंडर हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल देने की घोषणा कर दी है। ताइवान अब आत्मविश्वास से लवरेज दिख रहा है और लगातार चीन पर पलटवार करता जा रहा है। आपको बता दे, पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी और भी तेज कर दी है।
और चीन की घुसपैठ और उस्काने वाली कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को चीन का एक ड्रोन जो ताइवान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में दाखिल हुआ था, जिस पर ताइवान ने पहली बार वार्निंग शॉट दागते हुए चीन की इस हरकत का जवाब दिया। गोलीबारी को देखते हुए चीनी ड्रोन वापस चीन लौट गए। तो वहीं ताइवान ने चीन को आगाह किया कि अगर कोई भी ड्रोन उनकी सीमा के तरफ आया या उसमें दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। तो वहीं एक दिन बाद ही चीन ने अपना ड्रोन ताइवान की ओर भेजा और ताइवान ने वही किया जो उसने कहा था। तो अमेरिकी नेताओं का ताता अब ताइवान के अंदर लगातार हो रही है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सीनेटर मार्सा ब्लैकबर्न ताइवान आई थी। अगस्त में ताइवान में आने वाली वो चौथा राजनेता थी। ब्लैकबर्न अमेरिका के टेनेसी से रिपब्लिक पार्टी की सदस्य हैं, जिन्होंने ताइवान में खड़े होकर चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम झुकेंगे भी नहीं। कंधे पर अमेरिका का हाथ तो ताइवान का जोश जरूर से ज्यादा हाई। यूं ही नहीं चीनी के ड्रोन के ऊपर चला दी गोलियां। एशिया में एक तरफ चीन जो अपने लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, मिसाइलों और ड्रोनों को आगे रखकर धमकी भरे लहजों में बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान हर मामले में चीन से छोटा है। लेकिन अमेरिका, जिसके साथ उसके औपचारिक संबंध भी नहीं है, का साथ पाकर छोटा सा देश भी ड्रैगन से टक्कर लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ताइवान अब आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहा है और लगातार चीन पर पलटवार करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत अगस्त में नैन्सी पेलोसी की यात्रा से हुई। अमेरिका से औपचारिक राजनीतिक संबंधों के अभाव के बावजूद वाशिंगटन ही ताइवान का सबसे मजबूत समर्थक और हथियार सप्लायर बनकर उभरा है। जून में अमेरिका ने 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के कलपुर्जे ताइवानी नौसेना जहाजों को देने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बाइडेन प्रशासन ताइवान को 1.1 अरब डॉलर के हथियार, जिसमें 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। तो वहीं कुछ दिन पहले से अमेरिका ने 2 युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल माध्यम से ताइवान जल डमरू मध्य से होकर गुजारे थे। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी कर जानकारी दी थी कि अगर किसी भी तरह का उस्काने का कार्य अगर करता है चीन तो उसको कड़ा जवाब मिलेगा। अमेरिका ने कहा कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएस एंटी एटम और यूएस चार्ल्स विल्ले अंतर्राष्ट्रीय जल के माध्यम से नेविगेशन स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएस नेवी ने अपने बयान में कहा कि ताइवान जल डमरू के माध्यम से होकर गुजारना अमेरिका की एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। तो वहीं सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि अमेरिकी वायुसेना की साइट एरिया 51 हमेशा से रहस्य का एक विषय बनी हुई रहती है। पिछले दिनों इस जगह को लेकर रहस्य और भी गहरा गया जब वहां पर एक एयरक्राफ्ट नजर आया। एरिया 51 एयरफोर्स की एक सीक्रेट साइट है जिसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन इस जगह पर पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बाद सबकी धड़कनें तेज हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ किया कि जिस जगह पर अमेरिकी जेट रहते हैं उसी हैंगर के बाहर एक बड़ी सी चीज नजर आ रही है। यह वह अमेरिकी एयरबेस है जो एकदम सुनसान है और हमेशा छिपा रहता है। एयरक्राफ्ट को देख लोग हो गए हैरान। एरिया 51 नवादा के रेगिस्तान में है और यह जगह सरकार के रहस्यों और एलियन टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी के लिए जानी जाती है। जो तस्वीरें सामने आई है वह सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से वायरल हो रही है। एरिया 51 के रनवे एरिया पर एक एयरक्राफ्ट साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट की गतिविधियां का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में किसी विमान का नजर आना असाधारण बात नहीं, लेकिन कई लोग इस बात को देखकर हैरान है कि जो एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है वह काफी असाधारण दिख रहा है। पहले तो सब लोगों ने हैरानी जताई कि ये धुंधली सी नजर आ रही है, ये चीज सिर्फ कोई छाया या फिर रनवे पर नमी का कोई निशान तो नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी अंदेशा लगाया कि यह कोई ब्लैक प्रोजेक्ट तो नहीं, हालांकि यह सिर्फ एक छाया हो ऐसा नहीं है। यूएस मिलिट्री के खबरों से पब्लिश करने वाली मैगजीन वारजोन के मुताबिक इसका रंग और यहाँ तक की जो बाहरी रेखा नजर आ रही है उससे लगता है कि यह एक एयरक्राफ्ट है, कोई छाया नहीं। इस रहस्यमयी एयरबेस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।